चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नो पोचिंग एग्रीमेंट पे। ये क्या है और इसके बारे में विस्तार से जानकारी आज के वीडियो में लेंगे। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार देश के दो सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप रिलायंस और अडानी ने एक समझौता किया है। इसके तहत इनके कर्मचारियों को एक दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं मिलेंगी। इस नए समझौते का नाम है नो पोचिंग एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बारे में अगर बात करें तो मई 2022 में हुई इस डील की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह समझौता ऐसे वक्त पर हुआ है जब अडानी कंपनी उस बिजनेस में उतर रही है जिसमें रिलायंस पहले से बड़ा बिजनेस प्लेयर है। अडानी ने पिछले साल यानी कि 2021 में अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में एंट्री की है। इस बिजनेस में रिलायंस पहले से ही बड़ी कंपनी है। इसी तरह हाई स्पीड डाटा यानी इंटरनेट सेक्टर में भी अडानी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है। इस बिजनेस में भी रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इस समझौते की वजह से मुकेश अंबानी की कंपनियों में काम करने वाले लगभग 3,80,000 से ज़्यादा कर्मचारी अब अडानी की कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। वहीं अडानी की कंपनी में काम करने वाले 23,000 से ज़्यादा कर्मचारी मुकेश अंबानी की किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक बात करने के बाद अब हम देखेंगे कि नो पोचिंग एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। 1890 में अमेरिकी संसद से एक बिल पास हुआ था जिसे शर्मन एक्ट के नाम से जाना जाता था। इस एक्ट का सेक्शन 1 और 2 राज्यों के ट्रेड को किसी भी तरह से प्रभावित होने से रोकने की बात कहता था। बाद में इस कानून का रूप समय और ज़रूरत के हिसाब से बदलता गया। 2010 में अमेरिका में नो पोचिंग एग्रीमेंट से जुड़ा कानून उस वक्त लाइमलाइट में आया जब अमेरिका के कानून विभाग ने सिलिकॉन वैली की गूगल, एडोब, इंटेल और एप्पल जैसी कंपनियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। इस शिकायत में कहा गया कि ये कंपनियां आपस में एक दूसरे के कर्मचारियों को नौकरी नहीं दे रही थी, साथ ही कर्मचारियों की पद, सैलरी और सुविधाएं फिक्स कर दी गई थी। इसे क्रिमिनल केस मानकर अमेरिकी लॉ डिपार्टमेंट ने जांच के आदेश भी दिए थे। हालांकि कानूनी तौर पर इसमें नियमों को तोड़ने जैसा कुछ भले ही नहीं मिला हो, लेकिन जांच में ये ज़रूर पता चला कि इससे अमेरिका के लाखों कर्मचारियों के जीवन पर बुरा असर पड़ा था। 1990 को ग्लोबलाइजेशन का दौर माना जाता है। इस वक्त टैलेंट वॉर के नाम से एक नया टर्म पहली बार चर्चा में आया। इस वक्त दुनिया भर की कंपनियों में स्किल्ड लेबर की ज़बरदस्त कमी महसूस हो रही थी। टैलेंटेड कर्मचारी बेहतर अवसर और सुविधाओं को देख एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाते थे। इसे ही वॉर फॉर टैलेंट के नाम से जाना गया। इसे रोकने और कर्मचारियों को लंबे समय तक अपनी कंपनी से जोड़े रखने के लिए मैनेजमेंट कई तरीके अपनाती थी। इनमें से ही एक तरीका था नो पोचिंग एग्रीमेंट। नो पोचिंग एग्रीमेंट के आने के कारण क्या थे? नो पोचिंग एग्रीमेंट, दूसरे शब्दों में नो हायर एग्रीमेंट भी कहा जाता है, यह दो या अधिक कंपनियों के बीच किया गया ऐसा समझौता होता है जिसके तहत एक कंपनी में काम करने वाले को समझौते में शामिल दूसरी कंपनी में नौकरी नहीं मिलती है, या फिर नौकरी मिलती है तो उसके पद, पैसे और सुविधाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। इस तरह का समझौता आम तौर पर तब ख़त्म हो जाता है जब कोई कंपनी अपने वादे को तोड़कर समझौते में शामिल कर्मचारियों को नौकरी देती है। इस तरह के ज़्यादातर एग्रीमेंट दो या ज़्यादा कंपनियों के बीच कानूनी तरीके से नहीं होते हैं। कई कंपनियां इस तरह के एग्रीमेंट को इनफॉर्मली करती हैं जिससे स्किल्ड मैन पावर का संतुलन बना रहता है। भारत में भी अभी देखने में आया है कि स्किल्ड लेबर की कमी से वॉर फॉर टैलेंट बढ़ रहा है। 2020 में कामगारों के मामले में चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर भारत था। मैन पावर टैलेंट शॉर्टेज सर्वे के अनुसार भारत दुनिया के उन टॉप 4 देशों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा स्किल्ड कर्मचारियों की कमी है। यही कारण है कि भारत में बड़ी कंपनियों के सामने तेजी से वॉर फॉर टैलेंट बढ़ रहा है। जिन देशों में कम स्किल्ड कर्मचारी हैं वहाँ मैन पावर तेज़ी से महंगे हो रहे हैं।
ऐसे में भारत में भी अब कंपनियों के बीच इस तरह के एग्रीमेंट हो रहे हैं। आने वाले समय में बड़ी कंपनियों के बीच और भी इस तरह के एग्रीमेंट देखने को हमें मिल सकते हैं। अगर हम नो पोचिंग एग्रीमेंट की बात करें तो ये कितना कामयाब है। अगस्त 2018 में अमेरिका में फास्ट फूड चेन की 7 बड़ी कंपनियों ने अपने सभी फ्रेंचाइजीज में नो पोचिंग एग्रीमेंट को ख़त्म करने का ऐलान किया। इन 7 फास्ट फूड कंपनियों में आरबीज, आंटीएस, बफेलो वाइल्ड विंग्स, कॉल्स जूनियर, सेनाबॉस, जिमी जॉन्स और मैकडोनाल्ड जैसे बड़े नाम शामिल थे। इन कंपनियों ने फैसला किया था कि वह आपस में किसी भी कंपनी के कर्मचारी को बड़े पोजीशन और ज़्यादा पैसा देकर नौकरी नहीं देंगे। ऐसे में अच्छे कर्मचारी या तो इन सभी कंपनियों में नौकरी करने से या फिर नौकरी बदलकर दूसरी कंपनी में जाने से बचते थे। इसका असर इन कंपनियों की ग्रोथ पर देखने को मिल रहा था। यही वजह थी कि एग्रीमेंट होने के कुछ महीने बाद ही सभी कंपनियों से इसे ख़त्म करने का फैसला लिया गया। इस प्रकार आज के इस टॉपिक पर हमने पूरी बात कर ली है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।